राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं हैं, अच्छे इरादों को भूलते नहीं हैं और कभी भी नेक नियत वालों का साथ नहीं छोड़ते। इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है, इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की कुछ मर्यादाओं के कारण मैं रूबरू जाकर के मतदाताओं के दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन घोषित किया तो कल पहली बार मुझे रूबरू में जाकर के मतदाताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और कल जो मैंने तीन राज्यों में जो माहौल देखा है, भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है, ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है, ये मैंने कल देखा है। इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है। कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। और मैं जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए जरा। यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है, उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। इन्होंने हमेशा कुमाऊं
और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगत को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है, हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार को और उनके सभी कर्मचारियों को आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हो, उनका धन्यवाद करने आया हो, उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों की जान बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, दूर दूर पहाड़ चढ़ करके भी उन्होंने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।